सिंगरौली में पिछले कई दिनों से चल रहा एनसीएल मिढ़ौली विस्थापितों का धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित हो गया है। त्रिपक्षीय वार्ता में कुछ मसलों पर सहमति बनने के बाद यह मामला आंशिक रूप से सुलझता नजर आ रहा है। एनसीएल मिढ़ौली विस्थापितों के धरने के बाद त्रिपक्षीय वार्ता में विस्थापितों का मामला कुछ हद तक सुलझ गया है। हालांकि विस्थापित नेता सत्येंद्र कुमार साहू का कहना है कि एक महीने के लिए धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है। हम लोगों की अभी कई मांगे हैं, जैसे 2011 में जिन मकानों का सीमांकन किया गया था उनका भी मुआवजा उचित ढंग से दिया जाए। इस त्रिपक्षीय वार्ता में सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, SDM विकास सिंह, ऋषि पवार, सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस, NCL महाप्रबंधक कार्मिक चार्ल्स जोस्टर, जयंत महाप्रबंधक RB प्रसाद और विस्थापित नेताओं के बीच सहमति बनी, जिसमें 60% मुआवजा राशि जो विस्थापित हुआ है या जिनके घर बने हैं कभी भी ले सकते हैं। 3 महीने बाद 40% राशि स्वयं का घर हटाने के बाद मिलेगी। 2011 में जो मकान नापी हुआ था और नापी करने के बाद इन्होंने वीडियोग्राफी कराया था, आज तक उसका मुआवजा हम लोगों को 2020 तक में नहीं मिल पाया किसी हालत पे। अब मिल भी रहा है, किसी को तो काट पीट के मिल रहा है, बहुत आधा पैसा मिल रहा है। और जो ग्रांटर रख दिए थे NCL का, तो NCL के ग्रांटर हम लोग कहाँ पाएंगे? देखिए, हम लोग का गांव में कोई नौकरी उतना कर नहीं रहा है, तो इतना ज़्यादा मतलब कि ग्रांटर हम लोग कहाँ पाएंगे? ये सब विरोध था जिसको कि लेके हम बैठे हुए थे हड़ताल में। एक ही विरोध नहीं था हमारे पास में, मान लीजिए कि विस्थापन के लिए था 2017 के लिए, कि भाई 2017 तक पैसा नहीं दे पाए, 20 हो गया, तो कम से कम 18 साल जो हो चुके हैं उन लोगों को विस्थापन लाभ मिले। यहाँ के जो है कि दौड़ते रह जा रहे हैं, कोई कंपनी में काम मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।